8 तो 10 क्विंटल के बीच में उम्मीद है रहन दी सर। ये 55 और 60 दिन के बीच में हो जाएगा। पिछली बार रेट भी बहुत अच्छा रहा, आम मूंग नालों 400 प्लस 500 रुपये प्लस रही जी। किसान भाइयों, कुछ किसान खेती के अंदर नए प्रयोग करते हैं जिसमें फसलों को अदल बदल करके बोते हैं जिससे उनकी जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और उनको मुनाफा भी ज्यादा होता है। इसी कड़ी में आज जानकारी लेने के लिए सुखविंदर भाई साहब के पास आए हैं। इन्होंने जो है मूंग की फसल लगाई हुई है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बयान खेत किसान यूट्यूब चैनल में और खेत किसान पेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो नमस्कार सुखविंदर भाई साहब। नमस्कार जी, मेरा नाम सुखविंदर सिंह, गाँव साधनवास, सब तहसील जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। तो सुखविंदर भाई, आपने मूंग लगा रखे है, यू कौन सा खेत में लगा था, किस चीज का खेत था? जे आलू सी, आलू की पटाई तो बाद जैसे मूंग लगाया सी। मूंग लगा दिया, मूंग के बाद अब इसके अंदर आप धान लगाओगे? धान लगाएंगे। और धान के बाद फिर आलू लगाओगे? आलू लगा। यानी कि तीन फसलें लेते? तीन फसल ले रहे हैं जी, बिल्कुल तीन फसल लेते हैं। तो ये मूंग आपने कब बोया था लगभग? ये सर फरवरी के एंड मार्च, स्टार्टिंग मार्च दी 5-4 तारीख के आसपास। अच्छा ठीक है, अब ये मूंग आपका पक करके तैयार है, आप क्या उम्मीद करते हो कि ये कितना निकल जाओगा? सर इस बार चार्ट को अच्छा लग रहा है, 8 तो 10 क्विंटल के बीच में उम्मीद है रहने दी सर। कितने साल कम से कम 8 क्विंटल? मैं पिछले 4 सालों तो सर 444 मूंग लगा रहे हैं। ये कौन सी कंपनी का? स्टार एग्री सीड 444। कितने साल से लगा रहे? 4 साल से। 4 साल से लगा रहे हैं, हर बार अच्छा है रिजल्ट? बिल्कुल बिल्कुल सर, पिछली बार बहुत टॉप रहा जी। अच्छा, पिछली बार रेट भी बहुत अच्छा रहा, आम मूंग नालों 400 प्लस 500 रुपये प्लस रही जी। 400-500 रुपये? बिल्कुल जी बिल्कुल, काफी फर्क हो जाता है। बिल्कुल दाने बढ़िया ने, चमकदार है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, दाना इसका बड़ा है कि छोटा है? मीडियम साइज है। बिल्कुल मीडियम साइज दाना है, चमकदार दान में, और बिकते हुए 400-500 रुपए ये तेजी में रहता है, तेजी में रहता है। अच्छा एक बात पूछना चाहूंगा कुलविंदर भाई की, जो सुखविंदर भाई की ये जो मूंग है इसमें पीड़ा मोजिक वगैरह कैसा? बिल्कुल कुछ नहीं है जी, बिल्कुल साफ है जी। अच्छा नहीं आता जी? नहीं आता सर, एक आधी फंगस की स्प्रे करोगे तो और अच्छा रहेगा हमारा रिजल्ट इसमें। अच्छा, तो कुल अगर ये बात की जाए तो कितने दिन में मूंग पक करके तैयार हो जाता है? सर ये 55 और 60 दिन के बीच में हो जाएगा सर। ये आप फसल तैयार है बिल्कुल, और 5-4 दिन में ये काटने को तैयार हो जाएगी। अच्छा कंपनी क्या कहती है? कंपनी भी सर यही कह रही है, 55-60 दिन की फसल है जी आपकी। अच्छा, 60 दिन की फसल कंपनी बता रही है और आप भी कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 60 दिन में पक जाएगी जी। अच्छा, कोई दिक्कत? ये और जानना चाहूंगा मैं कि जैसे आप इसकी कटाई करेंगे तो कैसे काटेंगे आप इसको? कंपाइन से सर। कंपाइन से फलियां टूटती जड़ती? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं सर, पिछले घट्टो घट 10-12 साल तो होर वरायटी लगा रहे थे, 10-12 साल तो कंपाइन ने कटाई कर रहे हैं। अच्छा, 444 दी 4 साल लगा रहे हैं, ये भी कंपाइन ने ही कटाई कर रहे हैं, कोई फली नहीं चढ़ती, कोई फली फटती नहीं पक्के, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, कोई समस्या लगती हो आपको? ना बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल टॉप है, कोई दिक्कत नहीं जी। पिछले 4 साल तो बाद यूज कर रहे हैं तो किसी गल न कर रहे हैं। अच्छा, सब तो बढ़िया चाड़ है, ताई यूज कर रहे हैं, ये ऊपर और कोई वैरायटी नहीं लाई खेत। ठीक है, तो कितने एकड़ में लगा रखा है कुल आपने ये? सर 11 एकड़। सारा कौन सा लगा रखा है? नहीं नहीं सर, सब 444 है। 444 लगा रखा? सारे 444। बहुत बढ़िया है, टॉप है जी। तो किसान भैया, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें, ना पसंद आए तो कमेंट करें कि क्या समस्या लगी। तो धन्यवाद किसान भैया, जय जवान जय किसान।